28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा शाहरुख खान के रिएक्शन की हुई। शाहरुख के नए संसद भवन को लेकर पीएम मोदी और देशवासियों को बधाई दी। हालांकि अब कुछ लोगों को शाहरुख का ऐसा करना रास नहीं आया है। एनसीपी के नेता क्लाइड कास्ट्रो ने ट्वीट करके शाहरुख पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख ने नए संसद भवन के सपोर्ट में अपनी बात कही है, इसलिए उनकी फिल्मों को अब बैन करने की मांग नहीं होगी। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने लिखा, अब जब शाहरुख ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को अपना सपोर्ट दे दिया है तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता जल्द ही उनके सामने घुटने टेकेंगे। अब उनकी फिल्मों को बैन करने की मांग भी नहीं होगी। क्लाइड कास्ट्रो यही नहीं रुके, उन्होंने शाहरुख के साथ साथ अक्षय कुमार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि इन दोनों एक्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में अपने विचार रखे, लेकिन पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने लिखा, इन दोनों एक्टर्स ने स्पोर्ट्स पर बनी फिल्मों में काम किया है और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रसिद्धि भी कमाई है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिससे कि वे न्याय के लिए लड़ रहे रेसलर्स को अपना सपोर्ट देने में कतरा रहे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।